आपको ये तो पता होगा कि माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, और सनातन धर्म में हर देवी देवता अलग अलग जानवरों पर, पशु पक्षी पर विराजमान होते हैं। कोई कमल पर विराजमान होता है, कोई हाथी पर, तो कोई किसी और चीज़ों पर। क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि माँ दुर्गा सिर्फ शेर पर ही क्यों सवार होती है? इसके पीछे के क्या है आखिरी वजह? तो इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिए, मैं बताऊंगी आपको कि माँ दुर्गा शेर पर ही क्यों सवारी करती। माँ दुर्गा तेज शक्ति और सामर्थ्य की प्रतीक है, और उनकी सवारी शेर है। शेर प्रतीक है आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाज़ें कमज़ोर लगती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत में माँ पार्वती और शिव जी के साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मजाक ही में शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। माँ पार्वती को इस बात का बहुत ही बुरा लगा और वह कैलाश पर्वत छोड़कर वन में चली गई, जहाँ पर उन्होंने घोर तपस्या की, और वह इस तपस्या में पूरी तरीके से लीन हो गई थी। इसी बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहाँ पर पहुँचा, लेकिन वह चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह शेर भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि माँ पार्वती के तेज से वह उनके करीब नहीं आ पहुँचा था। माँ ने जीत कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएगी तब तक वह यही तपस्या करेगी। तब शिव जी वहाँ प्रकट हुए और देवी का रंग गोरा हो गया। शिव जी ने माँ पार्वती को यह वरदान दिया। फिर माता नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि वह शेर भी वहाँ चुपचाप बैठा है। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु ये तपस्या सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी, मैं जितने समय तक यहाँ तपस्या कर रही हूँ शेर भी मेरे पास ही बैठ कर उतने समय तक मुझे खाने की प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं कब इस ध्यान से बाहर आऊँ, यह शेर मुझे अपना भोजन बना करके खाए। इस शेर की तपस्या को देखते हुए मुझे यह ऐसा वरदान दीजिए कि ये शेर हमेशा मेरे साथ ही रहे। तब प्रभु ने शेर को माता पार्वती का वाहन होने का वरदान दिया, और तब से माँ पार्वती का वाहन शेर हो गया। वहीं मैं बताती हूँ इसकी दूसरी कहानी। स्कंद पुराण में यह उल्लेखित है, इसके अनुसार शिव के पुत्र कार्तिकेय से जब देवासुर का संग्राम हो रहा था, तो दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सूरापद्मन को पराजित किया। सिंहमुखम ने अपनी पराजय पर कार्तिकेय से माफ़ी मांगी, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे शेर बना दिया और माँ दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद दिया। तो यह थी दो कहानी जो माँ दुर्गा के वाहन से संबंधित थी, कि माँ दुर्गा आखिर शेर पर ही क्यों सवार होती है। तो क्या आपको इससे पहले पता थी कि माँ दुर्गा आखिर शेर पर ही क्यों सवार होती है? और अगर नहीं तो मेरे चैनल को इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आखिरी तक आप देख रहे होंगे तो कमेंट्स बॉक्स पर जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।